जय हिंद साथियों। तो आज देखते हैं हम, जैसा कि आप देखते हैं कि पर डे हम जिला दर्शन पढ़ते हैं, एक ना एक जिला पर डे पढ़ते हैं हम। तो आज भी हम उसी प्रकार से कोई भी टाइम ना लेते हुए आज हम क्या पढ़ेंगे, जो कौन सा जिला पढ़ेंगे, तो जिला शिवपुरी पढ़ेंगे। ऐसी नगरी जिसे पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, तो उसे शिवपुरी के जिला पढ़ेंगे हम। उसके संबंध में बात करेंगे कि आज ऐसा एक जिला पढ़ने वाले हैं कि जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही अच्छा, यानी कि आपको मजा आ जाएगा इस जिला को पढ़ते हुए, और आप भी जितने भी दोस्त मेरे जुड़ चुके हैं और भी जुड़ जाइए, सभी लोग सेक्शन को लाइक जरूर करना, और लाइक करें फास्ट ही, और सब लोग देखें और आनंद लें। हम एमपी पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड को, हम जेल प्रहरी को टारगेट बना करके चलेंगे। एमपीपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तो और छोटी बात नहीं है, पीएससी तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं, कोई भी टाइम ना देंगे। तो सर्वप्रथम क्या देखेंगे, गठन। उसी प्रकार से जिस प्रकार होश और हवालात के साथ हम पर डे पढ़ते थे, तो आज भी हम वैसे ही पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम गठन देखेंगे हम। गठन के आगे क्षेत्रफल, क्या यहाँ का क्षेत्रफल रहेगा। क्षेत्रफल के आगे देखेंगे यहाँ की जनसंख्या क्या रहेगी, तो जनसंख्या हम देखेंगे। इसके बाद में जनसंख्या घनत्व देखेंगे, जनसंख्या घनत्व, यहाँ का घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक फैक्ट को कंप्लीट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। जनसंख्या के आगे देखेंगे हम लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात के बाद देखते हैं हम साक्षरता, साक्षरता, इसके बाद में पुरुष साक्षरता देखेंगे हम, पुरुष साक्षरता, इसके बाद में महिला, महिला साक्षरता की बात करेंगे। प्रत्येक पॉइंट को ध्यान पूर्वक समझना है। यदि हमें कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें एक एक स्टेप को मिलाएंगे, हम देखेंगे कि कौन से स्टेप में क्या है। तो प्रत्येक स्टेप को हम समझते हैं। जो शिवपुरी जिला है, इस जिले की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले यह गठन कब हुआ था, तो जिस समय मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था उसी समय इसकी क्या हुई थी, उसी समय इसका भी गठन हुआ था। तो 1956 में किस जिले का गठन हुआ था, तो शिवपुरी जिले का गठन हुआ था। यदि क्षेत्रफल की बात करने जाएंगे तो यहाँ का क्षेत्रफल होगा 10,066 वर्ग किलोमीटर। इस जिले का क्षेत्रफल अभी तक पड़े गए क्षेत्रफलों में से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो शिवपुरी जिले का है। चलो आगे देखते हैं। यदि जनसंख्या की बात करने जाएंगे कि शिवपुरी की जनसंख्या कितनी है, कब के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 17,26,050 कितनी होगी, 17,26,050 यहाँ की क्या होगी, जनसंख्या होगी। यदि जनसंख्या पूछने जाएगा वो, तो कितनी होगी, 17,26,050 यहाँ की जनसंख्या होगी। यदि जनसंख्या घनत्व की बात करने जाएगा कि जनसंख्या घनत्व क्या है, 131 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में 171 व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसके आगे लिंगानुपात देखते हैं, तो 877 महिला प्रति हजार पुरुष, प्रति हजार पुरुष, तो 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी होंगी, तो 877 महिला। मुझे आशा है कि इतना जो कंसेप्ट मैंने किया है इतना क्लियर हो चुका होगा। गठन 1956 में, क्षेत्रफल की बात करने जाएंगे कि 10,066 वर्ग किलोमीटर होगा। यदि जनसंख्या पूछेगा तो 17,26,050 क्या होगी, जनसंख्या होगी। इसके बाद जनसंख्या का ना, तो 171 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि लिंगानुपात की बात करने जाएंगे तो 877 महिला प्रति हजार पुरुष। यदि साक्षरता की बात करने जाएंगे तो यहाँ पे होगी 62.5%।
यहाँ के व्यक्ति यदि ऑल ओवर व्यक्तियों में देखा जाए तो कितने 62.5%, यदि पुरुष साक्षरता देखी जाए तो 74.60%। पुरुषों ओनली पुरुषों के लिए कहा मेल के लिए, और फीमेल के लिए कहा जाए तो 48.80% कितनी होगी, तो 48.80% अर्थात 48.80% क्या होगी महिला साक्षरता, ऑल ओवर 62.5 होगी। इसमें से यदि पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो 74.60 होगी, यदि महिला साक्षरता की बात की जाए तो 48.80% हो जाएगी। आगे देखते हैं हम, इसके आगे देखते हैं हम तहसील देखेंगे या नदियां देखेंगे, तो नदियों को देखते हैं, इसके आगे तहसील को भी देख लेंगे, इसी में तहसील देख लेंगे, पहले नदियों को देख लेते हैं। कौन कौन सी नदी इस जिले के अंतर्गत से होकर के बहती है, तो उन नदियों को देखेंगे कि कौन सी नदी इसके इससे होकर के गुजरती है, तो नदियां देखते हैं, पॉइंट बनाएंगे हम नदियां। कौन कौन सी नदी यहां से होकर बहती है, तो सर्वप्रथम देखते हैं सिंध नदी, कौन सी नदी, सिंध नदी, पार्वती नदी, पार्वती, इसके बाद में पार्वती कूनो, पार्वती के आगे देखते हैं कूनो, कूनो तथा, कूनो तथा बेतवा, 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 तो चार नदियां किस जिले से, तो शिवपुरी जिले से, कौन कौन सी, सिंध, पार्वती, कूनो तथा बेतवा नदी किस जिले से बहती है, तो शिवपुरी जिले से होकर के बहती है। यहाँ की तहसीलें देखते हैं, कौन कौन सी तहसील है, तो सर्वप्रथम देखते हैं तहसील, तहसील कौन कौन सी तहसील यहां से इस जिले के अंतर्गत है, तो सबसे पहले शिवपुरी, शिवपुरी के बाद कैलारस, कैलारस, शिवपुरी, कैलारस, कैलारस के आगे देखते हैं करेला, करेला, करेला के आगे देखते हैं नरवर, नरवर, नरवर के बाद देखते हैं नरवर, नरवर के आगे पोहरी, पोहरी, ये तहसीलें हैं, आप ऐसा नहीं समझना कि नाम है, ये सभी तहसीलें हैं। पोहरी, पोहरी के आगे पिछोर, पिछोर, इसके आगे देखते हैं पिछोर, पिछोर के आगे देखते हैं खनिया, घाना, खनिया, घाना, खनिया, घाना, सबसे पहले शिवपुरी, कैलारस, करेरा, नरवर, पोहरी, पिछोर, खनिया, घाना, इसके आगे देखते हैं बदरवास, कौन सी, बदरवास, बदरवास के आगे बदरवास तथा बैरास, बैरास कौन सी होगी, तो बैरास। तो हमारी कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 तहसील है, कौन कौन सी, शिवपुरी, कैलारस, करेला, नरवर, पोहरी, पिछोर, खनिया, घाना, बदरवास तथा बैराज, 9 तहसीलें हैं किस जिले के अंतर्गत, तो शिवपुरी, क्योंकि बड़ा है, इसकी जनसंख्या भी बहुत है, इसका क्षेत्रफल भी बहुत है, तो यहाँ पे 9 तहसीलें हैं इस जिले के अंतर्गत। तो हमने नदियां देखी हैं, इस जिले के अंतर्गत 4 नदियां बहती हैं, सिंध, पार्वती, कूनो तथा बेतवा नदियां बहती हैं। इसके आगे देखते हैं हम कृषि, यहाँ की मिट्टी क्या है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है इस जिले के अंतर्गत, कौन सी मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी, कितने टाइप की मिट्टियां हैं, तो मिट्टी को देखते हैं हम, हेडिंग बनाएंगे मिट्टी, मिट्टी देखते हैं इस जिले के अंतर्गत कैसी मिट्टी है, काली है, लाल है, सफेद है, भूरी है, काली है, गोरी है, कैसी मिट्टी है, तो उसको देखते हैं हम कछारी, कछारी तथा, तथा कछारी मिट्टी है तथा जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी है। नदियां हैं तो नदियों के बहाव से आए जो भी आता है तो उससे क्या बनती है, जलोढ़ मिट्टी है, तो कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की मिट्टियां।
जब यहाँ पे ये मिट्टी है तो कुछ कृषि होगी, तो कृषि को भी देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे कृषि उपजाऊ होती है, कौन कौन सा बीज बोया जाता है। तो सर्वप्रथम तो बोया जाता है सोयाबीन, सोयाबीन, चना, चना तथा गेहूं। गेहूं की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। गेहूं चना जो अधिक मात्रा में उपजाऊ होता है, उस उपज होती है, उसी को बताया जाता है। तो सोयाबीन, चना तथा गेहूं की यहाँ पर क्या होती है, खेती होती है। इसके आगे देखते हैं हम, जब यहाँ पे कृषि बोई है तो कृषि के लिए साधन चाहिए कुछ, या तो बोरवेल्स होंगे या कुआं होंगे या तालाब होंगे या कोई नदी परियोजना होगी। तो परियोजना देखते हैं हम, कौन कौन सी परियोजना है। परियोजना, परियोजना कौन सी है यहाँ पे, तो परियोजना देखते हैं, लोवर, लोवर तथा बृहद, लोवर तथा बृहद सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। कौन सी होगी, लोवर तथा बृहद सिंचाई परियोजना, बृहद, तो बृहद सिंचाई परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत यदि ये परियोजना है तो इससे ये भी पता होना चाहिए कि कितनी से खेती क्या की जाती है, सिंचित की जाती है। तो देखते हैं इसमें है 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 10,000, 10,400, 400 हेक्टेयर, हेक्टेयर क्षेत्र की क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो इस परियोजना के अंतर्गत 1,10,400 हेक्टेयर क्षेत्र की क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। इसके आगे देखते हैं हम, यदि सिंचाई इतनी की जाती है तो क्या होता है, सोयाबीन, चना, गेहूं, इस प्रकार की कृषि यहाँ पे उगाई जाती है। तो हमने अभी कृषि देखी है, मिट्टी भी देख चुके हैं हम। इसके आगे देखते हैं हम कि कौन सा यहाँ पे उद्योग कौन सा है और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो राष्ट्रीय उद्यान या उद्योग भी देख लेंगे हम। जब यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं कौन कौन से है, यहाँ पे एक अभ्यारण है जो कि अति महत्वपूर्ण अभ्यारण है। तो पहले अभ्यारण देख लेते हैं, अभ्यारण देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे शिवपुरी में एक अभ्यारण है जिसका नाम क्या है, करेला अभ्यारण, करेला अभ्यारण, अभ्यारण कौन सा, करेला अभ्यारण, जो कि कहाँ पे है, शिवपुरी में है। इसकी यदि स्थापना की बात की जाए, स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में हुई थी। यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो क्षेत्रफल की बात की जाए यदि, तो इसका होगा 202.2210 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 202.210 वर्ग किलोमीटर। यदि यहाँ पे पूछा जाए कि यदि अभ्यारण्य कौन सा है, करेला अभ्यारण्य, इस अभ्यारण्य के अंतर्गत किसे संरक्षण दिया है, तो देखते हैं इसके अंतर्गत सोन चिड़िया, किसको, सोन चिड़िया, सोन चिड़िया को संरक्षण दिया गया है। इस करेला अभ्यारण्य के अंतर्गत सोन चिड़िया को क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। स्थापना 1981 में हुई थी, क्षेत्रफल इसका ये हो जाएगा। इसके अंतर्गत किसको जो संरक्षण दिया गया है, तो सोन चिड़िया को संरक्षण दिया गया है। आगे देखते हैं, अब अभ्यारण्य तो देख चुके हैं, इसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कोई राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंतर्गत, यदि हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। चलो राष्ट्रीय उद्यान हेडिंग बनाते हैं, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है देखते हैं। यहाँ पे है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान,
कौन सा उद्यान है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए, स्थापना शिवपुरी जिले के अंतर्गत कौन सा अभ्यारण है बताइए आप। अभ्यारण की बात की है मैंने, स्थापना 1958 में। यदि इसका क्षेत्रफल की बात करने जाएंगे, क्षेत्रफल तो इसका भी देखना पड़ेगा, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल हाँ 375.230 वर्ग किलोमीटर। कितने होगा क्षेत्रफल, 375.230 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। यदि इसके अंतर्गत कहा जाए उसके उस जो करेला अभ्यारण होगा उसमें किसको संरक्षण दिया गया था, तो सौंचिड़िया को। जो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसमें किसे संरक्षण दिया गया है, तो खरमोर पक्षी नहीं साइबेरियन पक्षी समयानुसार आते जाते रहते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन पक्षी समयानुसार आते जाते रहते हैं। इसी माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत नेशनल हाईवे 3 जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसके बीचों बीच से नेशनल हाईवे 3 गुजरता है। तो इसी राष्ट्रीय उद्यान से नेशनल हाईवे 3 गुजरता है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन पक्षी समय अनुसार आते जाते रहते हैं। किसमें, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। चलो आगे देखते हैं हम, औद्योगिक क्षेत्र क्या है यहाँ का। जब शिवपुरी एक ऐसा जिला है कि बहुत बड़ा जिला है जो कि पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है जैसे, और यदि कहा जाए कि सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो शिवपुरी होगी सिंधिया वंश। तो यहाँ पर जीवाजीराव सिंधिया, जियाजीराव सिंधिया, सभी सिंधिया जो थे तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या औद्योगिक परिदृश्य। यदि उद्योग की बात करें तो यहाँ पे कौन सा उद्योग है, सीमेंट उद्योग नंबर एक। सीमेंट उद्योग कौन सा उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग है। एक और उद्योग है यहाँ पे खैर से कत्था बनाना। यदि मध्य प्रदेश की एक जनजाति जो कि जिसका नाम हुआ खैरवार जनजाति के लोग शिवपुरी में खैर से क्या बनाते हैं, कत्था बनाते हैं। तो खैर से कत्था बनाने वाले व्यक्ति कौन से हैं, तो खैरवार जनजाति के लोग। चलो आगे देखते हैं कौन कौन से उद्योग हैं, तो सीमेंट उद्योग और खैर से कत्था बनाने का उद्योग कहाँ पे है, किस जिले में है, तो शिवपुरी जिले के अंतर्गत है। आगे देखते हैं उद्योग केंद्र देख चुके हैं कि कौन कौन से उद्योग हैं, इसके आगे देखते हैं हम मेला कौन सा लगता है, तो मेला देखते हैं। मेला यदि मेला की बात करने जाएंगे तो बाबा पीरबोधन का मेला, पीरबोधन का मेला। यदि कहा जाए कि पीरबोधन का मेला किस जिले में लगता है, तो शिवपुरी जिले में लगता है। आगे देखते हैं पीरबोधन का मेला, इसके बाद में देखते हैं सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला। यदि पीरबोधन का मेला, सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला पूछा जाए तो किस जिले में लगता है, या तो सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला पूछा जाएगा तो किस जिले में लगता है, तो शिवपुरी जिले में, या फिर पीरबोधन का मेला पूछा जाएगा तो किस जिले में लगता है, शिवपुरी जिले में लगता है। इसके आगे देखते हैं पर्यटन स्थल, इसमें तो आएगा नहीं, अगली स्लाइड लेते हैं यहाँ पे। पर्यटन स्थल
पर्यटन स्थल यहाँ के कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं यहाँ पे जॉर्ज कैसल कैसल महल, क्या होगा जॉर्ज कैसल महल, नरवर का किला, नरवर का किला, नरवर का किला, माधव विलास महल। इसके आगे देखते हैं सुखाया गढ़ी। इसके आगे देखते हैं तात्या टोपे समाधि स्थल। यदि कहा जाए कि तात्या टोपे की समाधि स्थल कहाँ पे है तो शिवपुरी जिले में। आगे देखते हैं इनको लग करते हैं, जॉर्ज कैसल पार्क यदि पूछा जाएगा तो कहाँ पे है, शिवपुरी जिले में है। यदि नरवर का किला पूछा जाएगा तो कहाँ पे है, शिवपुरी जिले में। माधव विलास महल कहाँ पे है, तो शिवपुरी में। सुखाया गढ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुखाया गढ़ी कहाँ पे है, ये आपकी बार पूछा जाएगा 101%। तो सुखाया गढ़ी कहाँ पे है, तो शिवपुरी में। तात्या टोपे समाधि स्थल इसको साफ करते हैं। यदि कहा जाए कि तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पे है, तो तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पे है, तो शिवपुरी जिले में। यदि कहा जाए कि तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी तो किस जिले में दी गई थी, तो तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पे है, तो शिवपुरी में। यदि कहा जाए कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, तो फांसी कहाँ दी गई थी, तो शिवपुरी जिले में दी गई थी। इसके आगे देखते हैं हम, तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी जिले में दी गई थी। कुछ अन्य तथ्य देखेंगे कि कौन कौन से हैं, अन्य तथ्य देखेंगे। और अभी हमारा क्या रह गया है, जिला का में इस जिले से स्पर्शी जिला कौन कौन से है, कौन सा राज्य है इसका, किसी कोई राज्य स्पर्शी की नहीं है। तो सर्वप्रथम क्या बनाएंगे, मैप बनाएंगे मैप के अनुसार पढ़ते हैं हम। चलो मैप के अनुसार देखते हैं, यहाँ पे क्या है, भिंड तो होगा ऊपर, यहाँ पे देखते हैं भिंड, यहाँ पे होगा दतिया, यहाँ पे होगा ग्वालियर, यहाँ पे मुरैना, यहाँ पे शिवपुर, यहाँ पे हो जाएगा शिवपुरी, ये शिवपुर है, ये शिवपुरी है, यहाँ पे गुना, यहाँ पे अशोकनगर। इस प्रकार से जिले हैं, यहाँ पे हो जाएगा यूपी, ये क्या है, यूपी जिला है, यूपी का कौन सा है, तो झांसी जिला ये हो जाएगा। यहाँ पे तो ललितपुर है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है राजस्थान का कौन सा जिला, तो कोटा जिला। राजस्थान का कौन सा जिला यहाँ पे टच करता है, तो कोटा, यहाँ पे अशोकनगर, यहाँ पे गुना, यहाँ से होकर के यहाँ पे दतिया के बाद ग्वालियर से हल्का सा मुरैना और शिवपुर। यहाँ पे देखेंगे हम कि इसकी बाउंड्री, अब यहाँ पे मैप बनाएंगे मैप के अनुसार। यदि यहाँ पे समझ लूं मैं कि ये क्या है, शिवपुरी है हमारा, ये क्या है, शिवपुरी, यहाँ पे क्या है हमारा, कौन सा जिला है, तो शिवपुरी है, ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम होगा, ये कौन सा होगा, उत्तर होगा, और ये दक्षिण होगा, इतना ही होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं कि इसके पूर्व में तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। यूपी का कौन सा जिला, तो झांसी जिला, कौन सा जिला हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। पश्चिम में देखने जाएंगे तो राजस्थान, आरजे, राजस्थान का कौन सा जिला, तो कोटा जिला।
इसके जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा होगा, यहाँ पे अशोक नगर, तो दक्षिण में कौन सा होगा, अशोक नगर, दक्षिण में अशोक नगर। यदि उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में कौन सा होगा, ग्वालियर। यहाँ पे मुरैना है, थोड़ा हल्का सा क्या है, मुरैना है यहाँ पे, मुरैना, मुरैना यहाँ पे, ग्वालियर यहाँ पे हो जाएगा, दतिया, दतिया यहाँ पे आ गया अपना, श्योपुर, श्योपुर। यहाँ पे देखेंगे हम, यदि पूर्व में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला, झांसी। यदि दक्षिण में कहा जाए तो मध्य प्रदेश का अशोकनगर। यदि दक्षिण पश्चिम में कहा जाए तो कौन सा, गुना हो जाए, कौन सा, यहाँ पे गुना है, तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा जिला, गुना। यदि पश्चिम में तो राजस्थान का कोटा जिला। यदि उत्तर पश्चिम में कहा जाए, उत्तर पश्चिम में कौन सा है, तो श्योपुर है। यदि उत्तर पूर्व में कहा जाए तो ग्वालियर तथा दतिया दो जिले। तो शिवपुरी के उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला है, तो श्योपुर है। यदि कहा जाए उत्तर, जो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व में तो कोई जिला है नहीं है यहाँ पे। यदि दक्षिण पश्चिम की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, तो गुना है। यदि दक्षिण उत्तर पूर्व की बात की जाए तो ग्वालियर तथा दतिया है। यदि पूर्व की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का झांसी है। यहाँ पे अन्य तथ्य देखते हैं, इसके आगे कौन कौन से हैं, अन्य तथ्य देखते हैं। शिवपुरी को और किस नाम, किन किन नामों से जाना जाता है, और किन नामों से जाना जाता है या नहीं जाना जाता है, तो उसको देखते हैं हम, और किन किन नामों से जाना जाता है, इसके प्रचलित नाम क्या है। यहाँ पे लोग बाग इसे पर्यटन नगरी क्यों कहते हैं, किस कब इसे पर्यटन नगरी बनाया गया था, तो देखते हैं उसको, देखते हैं। 2001 में, 2001 में शिवपुरी को पर्यटन नगरी घोषित किया गया था। इसके आगे देखते हैं, हाँ, 2001 में शिवपुरी को पर्यटन नगरी कहा गया था। इसी को, शिवपुरी जिले को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गर्दन, गर्दन कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गर्दन कहा जाता है, कहा जाता है। तो 2001 में शिवपुरी को क्या कहे बनाया गया था, घोषित किया गया था, तो पर्यटन नगरी घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश, यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की गर्दन किस जिले को कहा जाता है, तो शिवपुरी जिले को कहा जाता है। और देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला या प्रदेश का पहला प्रादेशिक वन स्कूल किस जिले में है, तो शिवपुरी जिले में स्थित। यहाँ पे प्रादेशिक वन स्कूल की बात कर रही है। यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला प्रादेशिक वन क्या, कॉलेज, तो यहाँ पे कॉलेज है, कॉलेज किस जिले में है, तो प्रादेशिक वन कॉलेज कौन सा है, वन कॉलेज किस जिले में है, तो इसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में, यदि पढ़ना आगे बताते हैं। प्रादेशिक कॉलेज तात्या टोपे स्टेडियम बता ही चुके हैं। इसके बाद में जो खरमो साइबेरियन पक्षी किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में समय अनुसार आते जाते रहते हैं। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पे है, तो शिवपुरी जिले में स्थित है। तात्या टोपे की समाधि किस जिले में है, तो शिवपुरी जिले में है। यदि कहा जाए कि तात्या टोपे स्टेडियम तो देख ही चुके हैं, शिवपुरी को पर्यटन नगरी कब घोषित किया गया था, तो 2001 में घोषित किया गया था। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, तो गर्दन कहा जाता है। पहला प्रादेशिक वन स्कूल किस जिले में है, तो शिवपुरी जिले में। अब आया शब्द यहाँ पे कि वन कॉलेज किस जिले में है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, पहला प्रदेश का पहला वन कॉलेज, तो बालाघाट जिला किस जिले में है, तो बालाघाट जिले में। इस प्रकार से जो शिवपुरी था,
आज के लिए इतना ही है, इसके आगे कल देखेंगे। जय हिंद। और हाँ, यदि आपको सेक्शन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त को जरूर भेजें। जय हिंद।